हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर हम लोग क्रिया के बारे में ही जानेंगे। वर्ग दशम के लिए हम लोग पिछले वीडियो में क्रिया की परिभाषा, धातु की परिभाषा उदाहरण सहित, उसमें सहायक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक के रचना के दृष्टि से जो क्रिया के दो भेद थे, अकर्मक और सकर्मक, तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की परिभाषाओं को पढ़े थे उदाहरण सहित। उसके बाद अकर्मक क्रिया के दो भेद और सकर्मक क्रिया के दो भेद, उनके परिभाषा और उदाहरण सहित हम अध्ययन किए थे। आज की वीडियो में हम लोग नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, कृदंत क्रिया, मुख्य क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग जो आज अध्ययन करेंगे वो है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ये नाम धातु क्रियाएं क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसकी परिभाषा और उदाहरण से। नाम धातु क्रिया जैसे संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण, विशेषण से निर्मित, निर्मित अर्थात, अर्थात बनने वाली, बनने वाले क्रियाओं, क्रियाओं को नाम धातु, नाम धातु क्रिया कहते हैं। यहां इसकी परिभाषा हुई कि संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से निर्मित अर्थात बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे शब्द है अपना, तो अपना जो है ये हो गया आपको मुख्य क्रिया, यानी अप शब्द में ना प्रत्यय लगने से मुख्य क्रिया बनता है। मूल धातु है ये, धातु है अप, और ना प्रत्यय लगाते हैं तो ये मुख्य क्रिया का निर्माण हो जाता है। और इससे जब नाम धातु क्रिया बनाया जाता है तो इसमें भी प्रत्यय जोड़ा जाता है ना। तो मान लीजिए हम ना प्रत्यय इसमें जोड़ते हैं तो अप ना, ना अपना ना, ये हो गया आपको नाम धातु क्रिया। जैसे अपनाना, जैसे यहां है खिल, खिलाना, खिला, खिला लिखा हुआ है खिला, अब इससे हो जाएगा खिलाना। जैसे यहां है पढ़ना, हो जाएगा पढ़वाना। तो इस तरह से जो क्रियाएं बनती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कृदंत क्रिया के बारे में। ये हम लोगों का नाम धातु क्रिया हो गया। अब दो जो दूसरा क्रम में आएगा वो है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया कैसे बनता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसका उदाहरण क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कृदंत क्रिया है दूसरा कड़ी में कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया के बारे में जानेंगे। कहता है कि क्रियाओं, क्रियाओं के अंत में, क्रियाओं के अंत में लगने वाले, लगने वाले प्रत्ययों के द्वारा, प्रत्ययों के द्वारा जिसका निर्माण होता है, जिसका निर्माण होता है उसे, उसे कृदंत क्रिया कहते हैं, उसे कृदंत
क्रिया कहते हैं और उसे मुख्य क्रिया भी कहा जा सकता है। जैसे अब क्या है कि मूल धातु यहां रखेंगे, यहां खा रखे और प्लस ना प्रत्यय लगाने से क्या बना, खाना। तो ये खाना जो आया यह है क्या, कृदंत प्रत्यय। यहां जा है, इसमें ना प्रत्यय लगाए, यहां बन गया जाना। ये जो बना जाना यह कृदंत प्रत्यय। तो इस तरह से हम जो भी शब्द देखेंगे जो बनते हैं वो सारे कृदंत प्रत्यय हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, कृदंत प्रत्यय के बारे, कृदंत क्रिया के बारे में और नाम धातु क्रिया के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया के बारे में। पूर्वकालिक क्रिया तीसरा जो क्रम है वो हम लोगों का है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया पढ़ेंगे, उसके बाद मुख्य क्रिया पढ़ेंगे, संयुक्त क्रिया पढ़ेंगे और परिणामक क्रिया पढ़ेंगे। इस तरह चार क्रियाओं को पढ़ने के बाद हम लोगों का क्रिया का जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। तो हम लोगों का तीसरा जो है यह है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। अब थोड़ा सा शब्द पर ध्यान देंगे। पूर्व का अर्थ होता है पहले, कालिक का समय, यानी जो पहले वाला, जो पहले वाला पहले समय की क्रियाएं कार्य करती है वर्तमान में उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो वैसी क्रियाएं जो पूर्व वाक्यों में पूर्व पहले कार्य करती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग इसमें लिखेंगे पढ़ प्लस कर क्या बन गया, पढ़कर। जाकर। तो इस तरह से जो क्रियाएं बनती है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो हम लोग पूर्वकालिक क्रिया उदाहरण से पढ़े। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया पढ़ेंगे, संयुक्त क्रिया के बाद हम लोग पढ़ेंगे मुख्य क्रिया, परिणामक क्रिया। तो चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त का अर्थ होता है जोड़, अर्थात दो वाक्य क्रियाओं में, दो वाक्य क्रियाओं की वजह से, क्रियाओं के माध्यम से जुड़ते हैं उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य, जिस वाक्यों में दो क्रियाएं वाक्यों का निर्माण कराती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, कैसे। तो जैसे देखेंगे, जैसे तो इस तरह से इसका उदाहरण है बच्चा चिल्लाया, या साधारण वाक्य हो गया, साधारण क्रिया वाला वाक्य हो गया। लेकिन इससे जब हम
इस वाक्य को जब हम संयुक्त क्रिया में बनाएंगे तो बनेगा बच्चा चिल्ला उठा। तो चिल्ला और उठा दो क्रियाएं हैं जो यह वाक्य को संपूर्ण बनाती है। इस तरह से राम सिंह स्कूल जाता है, तो यहां पे हम अगर संयुक्त क्रिया में बदलेंगे तो राम सिंह स्कूल जाने लगा। तो जाने लगा दो क्रियाएं आ रही है, चिल्ला उठा दो क्रियाएं, तो दोनों क्रियाएं संयुक्त होती है, जुड़ती है तो बन जाती है संयुक्त क्रिया। इस तरह से हम लोग संयुक्त क्रिया के बारे में जाने। अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया पढ़ेंगे और प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोगों का ये जो क्रिया है चैप्टर और समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग पांचवा जो पढ़ेंगे वो है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे यहां मुख्य क्रिया के बारे में जानेंगे, कर्ता या कर्म के मुख्य क्रिया कलापों को व्यक्त करने वाली क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। फिर से समझेंगे, कर्ता या कर्म के मुख्य क्रिया कलाप को व्यक्त करने वाली क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। जैसे मैं प्रायः आ जाया करती हूँ, आप जा सकते हैं, तो आ एक मैं प्रायः आ जाया करती हूँ, इस वाक्य में आ जो है यह मुख्य क्रिया है, इसमें जा जो है वह मुख्य क्रिया है। इस तरह से हम लोग मुख्य क्रिया के बारे में भी अध्ययन किए। अब जो है अंतिम और लास्ट जो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं उसका परिभाषा समझेंगे उदाहरण सहित। यहाँ प्रेरणार्थक वैसी क्रियाएं, वैसी क्रियाएं क्रियाएं जो स्वयं स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझेंगे कैसे वह क्रिया जो स्वयं कार्य न करके दूसरों से करवाती है, उदाहरण से हमको समझ में आ जाएगा। जैसे में सीता स्वयं द्वार न खोलकर द्वार पाल से खुलवाती है। देखिए, सीता स्वयं द्वार न खोलकर द्वारपाल से खुलवाती, यानी यह दूसरों से कार्य करवाता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इस तरह से हम लोग पूरे संपूर्ण क्रिया का अध्ययन किए, ठीक है। अब हम लोगों का क्रिया समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वह संबंध सूचक अव्यय होगा और क्रिया विशेषण। संबंध सूचक अव्यय के पहले हम लोग क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, उसके बाद संबंध सूचक अव्यय पढ़ेंगे, उसके बाद समुच्च बोधक अव्यय पढ़ेंगे, उसके बाद विषमयादि बोधक अव्यय पढ़ेंगे। इस तरह से संपूर्ण जितना भी हम क्रम से बताए हैं चैप्टर, इस सब का अध्ययन करने के बाद हम लोग पद परिचय में प्रवेश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।